हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की, हमारे अतीत के नाम से जो आपकी सेकंड बुक है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा अतीत भाग 2। तो इसमें अभी तक हम लोग दो चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर था आपके नए राज्य और उनके राजा। अब बात करेंगे हम लोग दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। दिल्ली के सुल्तान देखें, याद रखिए इसे एक कहानी की तरह हर बार मैं यही बोलता हूँ, कहानी की तरह पढ़िए फिर सुनिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चलता है कि आखिर इसमें हम आप लोगों को समझाएं क्या, क्योंकि इतना नॉर्मल भाषा में लिखी गई है ये बुक कि आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएंगे। आपको रटना थोड़ी है कोई, आपको एक बेस क्लियर करना, बेस बनाना और निकल जाना बस। हमने अध्याय 2 में देखा है कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसी किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 में नजर डालिए। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चामान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्य में भी दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दिल्ली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। उसके साथ साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 में, ये आपकी तालिका 1, तोमर वंश, राजपूत, चौहान, प्रारंभिक तुर्की शासक, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोदी वंश है। ठीक है, तालिका 1 में फिर से नजर डालना है उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनके मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिनके जिस इलाके में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली एक कोहिनूर श्री और जहांनुमा को पहचाना। तो ये आपकी फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, हौज खास खास सीरी जहां बनाए, दिल्ली एक बना कुतुब मीनार, यहाँ हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिल शाह, यमुना नदी ये गुजरती है दिल्ली के पास से। ठीक, दिल्ली के शासकों को देखते हैं हम लोग। राजपूत वंश, इसमें अनंगपाल, आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 से 1130 से 1145 तक। चौहान की बात करें तो 1165 से 1152 तक। पृथ्वीराज चौहान में 1175 से 1152 तक। प्रारंभिक तुर्की शासकों की बात करें तो 1206 से 1290, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 1240, ग्यासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, इसे गुलाम वंश भी कहते हैं। ठीक है, इनमें यही 5 मुख्य थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। खिलजी वंश था आपका 1290 से 1230 तक। जलालुद्दीन खिलजी इसमें हुआ 1290 से 1296 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहा। तुगलक वंश में हुआ ये आपका 1320 से 1414 तक चला। ग्यासुद्दीन तुगलक हुआ इसमें, इसका समय रहा है 1320 से 1340। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1391। फिरोज शाह तुगलक 1351 से सॉरी यहाँ इंक्यावन 1351 से 1388।
फिर आपका आता है सियदबंद, इसमें प्रमुख था खिलजी खान 1414 से 1421 तक, लेकिन ये चला है सियदवंश कब तक रहा, 1414 से 1451 तक। फिर आता है आपका लोदी वंश, ये 1451 से 1526 तक, पानीपत के प्रथम युद्ध तक। इसमें बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक रहा। ये आपका इल्तुतमिश का मकबरा है, देखिए ये आपका अलाई दरवाजा है, ये आपका दिल, फिर वो शायद तुगलक का मकबरा है। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे, हालांकि अभिलेख सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास और तारीख एक वचन तवारीख बहुवचन जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए। ये आपकी पांडुलिपि है, पांडुलिपि तैयार करने के 4 चरण थे, कागज तैयार करना, लेखनकार महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सौनिक को पिघलाकर उनका प्रयोग करना, जिल्द तैयार करना। तवारी के लेखक सचिव प्रशासक कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, तो शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्यायचक 13वीं सदी के इतिहासकार हक एव मुदब्बीर ने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता है, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो, ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। एक कुछ और बातें ध्यान में रखें, तवारीख के लेखकों लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में भी शायद ही कभी रहते थे, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकरान पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। बात करते हैं जन्म सिद्ध अधिकारी, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा, उदाहरण के लिए लोग मानते थे कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। तो इस जो भी आपकी बुक्स हैं एनसीईआरटी, आपको इसीलिए सलाह दी जाती है पेश करने के लिए। अब देखिए यहाँ जन्म सिद्ध अधिकारी की परिभाषा दी गई है एक लाइन में, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार को हम लोग जन्म सिद्ध अधिकार कह लेते हैं। लिंग भेद, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक संरचना संबंधी अंतर, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सरोज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासक करने की कोशिशों में प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सराज के विचार, मिन्हाज ए सराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई उसके अनुसार स्त्रियों और पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था और विरोध चाहता था, इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते पर उनका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाए कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुदम्मरा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुदम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा,
980 से 1003 तक उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला था। जाहिर है कि प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। यह आपका दिल्ली का मुख्य केंद्र, इसमें काजकोट, मुल्तान देवल, कासली, बदायूं, कोल, ग्वालियर, रणथंभौर, बनारस, अवध, लखनऊ थी। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता। भीतरी प्रदेश क्या था? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे उसे हम लोग भीतरी प्रदेश कहते थे। गैरीसन शहर, किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते थे उसे क्या कहते थे? गैरीसन शहर। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध को कि गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत कठिन था। बगावत और युद्ध, यहां तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र भिन्न छिन्न हो जाते थे। शायद शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों उन सूद सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन ग्यासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के द्वाब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चारवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरीसन शहर और शहर बनाए बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए और यह अभियान मुगल मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुओं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल चित्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किसी सीमा तक और कितना प्रभावी था। किसके हैं? अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर अभियान है, ये दिल्ली हो गया आपका। गुजरात पर 1299, चित्तौड़ 1303, रणथंभौर 1301, मांडू, देवगिरी के यादव, वारंगल, कड़ा, होयसल, काकतीय, तंजावुर, द्वार समुद्रम, मधुबे पांडव, ये आपके सैनिक अभियान थे। चित्तौड़, ये आपकी मस्जिद। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उनकी मीरान, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में शहर को दिल्ली एक कहना पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार तीन सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी।
मस्जिद, यह अरबी शब्द है, मस्जिद आपका अरबी शब्द है, जिसका शब्द अर्थ है ऐसा स्थान जैसा जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्रित होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय विद्वान पुरुष को इमाम या नेता के रूप में चुना जाता था। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता था। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। अब देखिए इसमें कितने शब्दों की परिभाषा आपको पता चल गई। मस्जिद आपका अरबी शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा घुटने तथा माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्रित होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम कहते हैं, इनका नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार को नमाज के दौरान धर्म उपदेश जिसे खुतबा भी कहते हैं पढ़ता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। तीन, बेगमपुरी मस्जिद या मोहम्मद तुगलक के शासन राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां बनाए विश्व की स्मरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उम्मादी के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले सिद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने। यह आपका मौत की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में है, उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने भी मस्जिदों सहायक थे। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। ये आपका जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक में के आखिरी दिनों में बनवाई गई। अब बात करते हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन वो समेकन नजदीक से एक नजर। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम होते थे। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा है और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना था कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। आश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो उस पर निर्भर हो, उसे हम लोग आश्रित कहते हैं। छोटे छोटे पॉइंटों में परिभाषाएं जो दी गई हैं उन्हें आपको देख लेना है, मतलब आपको इस पता चल जाएगा कि आश्रित की परिभाषा क्या होती है। ठीक है सर। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ण के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिर भी अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही फिर नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों
सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अचीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला, फरूक हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नमक नामक बावर्ची लट्टा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में देखा। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके एकता कहलाते थे, ये इलाके आके एकता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी एकतादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने एकताओं में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैदाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय तीन तरह के कर थे, केसी पर जिसे हम लोग खराज कर कहा जाता था जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता, फिर आपका मवेशियों पर कर और घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो जा गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे पर वह अधिकार का कुछ ही समय तक रह पाता। सरदार और उनकी किलेबंदी। अभी की देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता था। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम कर देते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी में उपलब्ध रहता था, अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल।
इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर पर से तैयार किए औजारों से बांसों को काट डालती। बात करते हैं चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। इसके सीख बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखते हैं कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 या 1300 में, तो दूसरा 1202 से 1203 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीनी नामक एक नया गैरीसन शहर बनाया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा दें। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे। जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा भी मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। अलाउद्दीन के शासनकाल की मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अब बात करते हैं हम लोग मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभ वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों शहरों में सबसे पुराने शहर देहली ये गुना को निवासियों से खाली करवा कर वहां सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। मोहम्मद तुगलक ने सेना को खिलाने के लिए उसने इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज के कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ऐसे ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती मुद्रा के थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के बेबैज बचाकर रख लेते थे। अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनसे कई परेशानियां पैदा हुई। दौलताबाद ले जाए जाने वाल से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोहा में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई। मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। देखिए अलाउद्दीन सफल रहा है काम, और आपका मोहम्मद तुगलक असफल रहा। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हमें कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम
मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। बात करते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सियद तथा लोधी वंश का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी हुए। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 एक महत्वपूर्ण शासक है। बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था। आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त कर दिया। 1530 से 40 के बीच किया, फिर 1556 56 में भी इसने पराजित किया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश के नाम से केवल 15 वर्ष 1540 से 55 तक शासन किया। लेकिन इसके प्रशासन से अलाउद्दीन के लिए वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। सम्राट महान महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमानों के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को भी अपनाया था। तीन श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया गया, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। तीन वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को हम लोग नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इसका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई बढ़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों में नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों को गिनती कुलीन में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मन में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाने चाहने लगे थे। ठीक है, तो ये आप तक का था तीसरा चैप्टर। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए सर अध्याय से संबंधित, ठीक, सॉल्व कर लेना। पीडीएफ टेलीग्राम पर डली हुई है, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सब, एकता को देखा, तारीख देखी, गैरीसन देखा है, मंगोल देखे, लिंग देखा है, खराज शब्द की परिभाषाएं देखी, ठीक। अगर आप अच्छे से एक दो बात सुनेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। अगला हम लोग चौथा चैप्टर देखेंगे, फोर्थ नंबर का, मुगल साम्राज्य के बारे में, ठीक है, मुगल साम्राज्य को जानेंगे।